लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम बाबूजी। राम राम भैया। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते कल्लू। राम राम जगत। राम राम, कैसे हो? अच्छा हूँ जी। अच्छा। राम राम जगत प्रसाद जी, शहर जा रहे हैं क्या? हाँ, वो खेतों के लिए खाद और बीज लेने। देखो, मैं आखिरी बार कह देता हूँ, जब तक दहेज का बकाया 1000 रुपया नहीं दोगे, तब तक मैं लड़की को लेकर नहीं जाऊंगा। देखिए जरा मेरी बात तो सुनिए। क्या झगड़ा हो रहा है भाई? देखिए ना मुखिया जी, दहेज की रकम में 1000 रुपए क्या कम हो गए? ये मेरी ब्याहता बेटी को वापस मेरे ही घर में रखने को कह रहे हैं, आप ही समझाइए ना। अब ये क्या समझाएंगे, शादी हुए 2 साल हो गए, दहेज का बकाया 1000 अभी तक नहीं दिया है, अब ये देंगे क्या? हाँ हाँ, मैं दूंगा, अगर रुपया ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो ये लो। जगत प्रसाद जी, आप जल्दबाजी मत कीजिए, इन पैसों से आप शहर खाद और बीज लेने जा रहे थे। अरे अगर खेतों में बीज ना भी पड़े तो फसल फिर भी होगी, इस साल ना सही अगले साल, लेकिन अगर इसको दहेज के पैसे ना दिए तो ये मूर्ख उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देगा। शंकर, ये लो रुपया। छी 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 छी, सारा काम मुझे को करना पड़ता है, चाय मैं बनाऊं, गोबर मैं उठाऊं, और तू वहां पठानी की तरह बैठी सारा दिन किताब पढ़ती रहती है, सुन रही है या नहीं? बेशरम सुन ही नहीं रही है। अरे ओ महारानी की बच्ची, मैं तुझसे कह रही हूँ, तुझसे। हाँ हाँ सुन रही हूँ, भैरी नहीं हूँ। तू चाहती क्या है, क्या काम करूँ मैं? पहले अपनी इस किताब का मुंह बंद कर और जाके कुएं से पानी लेकर आ। ना बाबा, मुझसे नहीं होता, माँ से बोलो वो भर के ले आएगी। अच्छा कम से कम गोबर के उपले तो बना दे। क्या, मैं और गोबर? छी 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 छी, मुझसे ये बदबूदार काम नहीं होता। अच्छा गोबर से बदबू आती है, कल से काम करते हैं, जानवरों को घास की जगह जाफरान खिलाते हैं और पानी की जगह इत्र पिलाते हैं, तब गोबर से खुशबू निकलेगी, फिर बना देना खुशबूदार उपले। कैसी शक्ल बना रही है? तूने अपनी शक्ल देखी है? जैसे बंदर ने भंग पी ली हो। तेरी शक्ल होगी बंदर जैसी। तेरी शक्ल बंदर जैसी है, तू चुप कर। यू शट अप एंड गेट आउट। शुरू सुबह सुबह तुम दोनों बहनों का अब क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, तुम्हारी बड़ी बेटी का दिमाग खराब हो गया। शहर में 3 साल पढ़ के आई और लाई क्या, 2 अक्षर की डिग्री BA। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर का कोई काम नहीं करना चाहिए? अरे ज्योति, तू तो इसको जानती है, जितना हो सके तेरे से वो कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हाँ हाँ हा। जा। शांता। क्या है जी? कुछ नहीं। अरे हाँ, वो जल्दी से 1000 रुपया तो ला ला। अभी तो ले गए थे खाद और बीज के लिए। वो क्या हुआ कि वो ये वो... हाय राम, फिर किसी को दान कराए। माँ माँ माँ, देखो दीदी की बच्ची ने मुझे मारा। ये मुझे छेड़ रही है। देख बंदरिया, अगर तूने मुझे फिर से मारा ना, क्या 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 कर लेगी? मैं भी तुझे मारूंगी। ये सब क्या हो रहा है? देख मुझे क्या करूं, मुझे क्या साइलेंस। क्या है? आकाश के ब्लैक बोर्ड पे सूरज ने अभी सवेरा लिखा नहीं और तुम लोगों ने संसार की पाठशाला में बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ज्योति, तुम जाके खास खुशबूदार चाय बना के लाओ, और झ से झगड़ालू जानकी, तुम जाके किताब पढ़ो, जाओ। और जगत में प्रसाद बांटने वाले जगत प्रसाद, तुम अपनी बीवी से क्या चौंचे लड़ा रहे हो? भाई बात यह है कि ये देखिए ना मास्टर जी, इन्होंने गांव वालों की मदद करते करते 50 एकड़ जमीन 5 एकड़ कर डाली। इन्हें जरा भी ध्यान नहीं कि अपने घर में भी 2 जवान बेटियां बैठी हैं। अरे इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो जगत प्रसाद, अब मैं जो कहता हूँ गौर से सुनो। परिवार गणित की तरह होता है, हिसाब की तरह, और पति जमा घर भरने वाला, और पत्नी जरब मल्टीप्लाई करने वाली, दुगना तिगना करने वाली, और बच्चे माइनस होते हैं, घाटा करने वाले। तेरी तो 2-2 बेटियां हैं, उनकी शादियां नहीं करवाएगा, प्लस वाला माइनस की हरकतें करेगा तो जिंदगी तो जीरो के नीचे आ जाएगी। अरे तू कैसा बाप है सगा, या बेटी ने तुझे गोद लिया हुआ है? हाँ मास्टर जी, ये बात इन्हें अच्छी तरह समझाइए। अरे मैं तो भूल ही गई, रामू को नाश्ता भेजना है। अरे बेटी जानकी, जरा राम बाबू को ये नाश्ता दिया। नहीं माँ, मुझे किताब पूरी करनी है। ज्योति से कहो ना, वो दे आएगी। अरे चल उठ। अरे सारा काम तो वही करती है, तुझसे इतना भी नहीं किया जाता? जल्दी जाके नाश्ता दिया, उसके खेत पे जाने का वक्त हो गया। ये क्या मुसीबत है माँ? अच्छा एक बात तो बताओ, ये राम बाबू है क्या चीज? ये नाश्ता टिफिन वगैरह उसे क्यों भेजा जाता है? बताती हूँ। एक तो बेचारा अकेला रहता है, और फिर मर्द होके अपना खाना खुद पकाता है। जितने एहसान वो हम पर करता है, उसके बदले में अगर हमने कभी कभार उसे खाना भिजवाया तो कौन सा बड़ा तीर मारा। जा जल्दी जाके दिया जा। वाह वाह वाह, क्या शुभ अवसर पर आई हो। मैं हल्की पूजा करके नारियल तोड़ने वाला था, अब तुम आ गई हो तो पूजा भी तुम करो और नारियल भी तुम तोड़ो, ताकि खेत में अनाज की जगह सोना उगने लग जाए। सोना? मगर ज्यादा सोना मत उगा लेना, दुनिया में वैसे ही अनाज की कमी है। तुम सोना उगाओगे तो लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। ये देखो माँ ने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है, एक हाथ से नाश्ता करो और दूसरे से नारियल फोड़ो। हा? अरे सुनो। हा? नाश्ता तो मैं कर लूंगा, पहले अपने शुभ हाथों से नारियल तोड़ो, लो। ठीक है,
बस। वाह वाह वाह, इसका मतलब जानती हो? क्या? इसका मतलब है जब बराबर के टुकड़े हो तो तुम मुझसे प्यार करती हो। छी, ऐसी कोई बात नहीं, माँ ने मुझसे बहुत कहा इसीलिए मैं नाश्ता ले आई। अच्छा मैं चलती हूँ। आज बहुत भूख लगी है। अरे वाह वाह भजिए, अरे खिचड़ी, आज तो बहुत डट कर खाऊंगा। रामू, ये क्या बंदर की तरह छलांग मार कर आ गई? अरे रामू, तुम्हें नहीं मालूम दीदी कितनी भुलक्कड़ है। देखो हमेशा ऐसे ही करती है, नाश्ता तो लेकर आ गई मगर चटनी भूल गई। ठीक है मैं चटनी खा लूंगा, अब तो जाए यहाँ से। अरे रे, ऐसे कैसे? मैं हूँ ना, मैं हूँ ना खिलाने के लिए। लाओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ, देखो कितना अच्छा बना होगा। एक मिनट, पहले मैं चक्की देखूं कैसा बना है। बहुत ही मजेदार बना है। माना कभी कभी नारियल की चटनी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन जब पिताजी से झगड़ा होता है ना फिर समझो खाने का सत्यानाश। वैसे खाना मैं भी बहुत अच्छा बनाती हूँ दीदी, है ना? दीदी को कुछ आता ही नहीं, सारा काम मैं ही करती हूँ। खिचड़ी देखी नहीं? काजू। ज्योति एक बात बताओ, तेरे माँ बाप तुझे कुछ खाने को देते हैं? मतलब माफ करना, आधे से ज्यादा नाश्ता तो मैं ही खा गई। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अबे खिलाने की बच्ची, अब जाती है या लगा कर तुम्हें? सब खा गई, लो एक टुकड़ा बच्चा है। चलो यही सही। रामू रामू, अब क्या है? कल ना, कल इससे अच्छा नाश्ता मैं ले आऊंगी। ये भी हेलो 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 ओल्ड बॉय। हेलो यंग मैन, प्रणाम। जीते रहो मेरे प्यारे पोते, कब आए? तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लेकिन दादाजी मैं पूछ सकता हूँ ये सिगरेट किस खुशी में पी जा रही? आपने पिछले दिनों खत में लिखा था कि डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने से बिल्कुल मना किया। अरे लानत भेजो इन डॉक्टरों पर, उनका तो काम ही हर चीज के लिए मना करना। बेटे ये सिगरेट दो ना। दादाजी बुजुर्गों ने कहा है कि शरीर के लिए तंदुरुस्ती, घर के लिए पत्नी और परिवार के लिए बच्चे, ये तीनों ऐसे हैं जैसे कर्ता कर्म क्रिया। इन तीनों में से एक भी चीज कम हो जाए तो वाक्य अधूरा रह जाता, और पहले में से कोई चीज कम हो जाए तो जिंदगी अधूरी रह जाती। कमन कमन, क्या ख्याल है यंग मैन, एम आई करेक्ट नॉट? भाई जमाना बदल गया है, उल्टी गंगा बह रही है, पोता दादा को अकल सिखा रहा है। यू आर करेक्ट। आई एम करेक्ट ना? गुड, नाउ लेट्स से फूड, आई एम वेरी हंग्री। चलो चलो बच्चे, चलो शाबाश, चलो चलो चलो। अरे आओ जगत बाबू, कहाँ चले? खेत में तो नहीं जा रहे होगे? अरे जब राम बाबू है तो मुझे खेती बाड़ी करने की क्या जरूरत है? बात है, वो खेत संभाल रहा है, तुम पूरे गांव को संभाल रहे हो। भाई ये तो सच है, वैसे राम बाबू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वही शराफत, वही दया, वही सबकी सहायता का ख्याल। अरे भाई जब अपना खेत उसके हाथ में दे दिया है तो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में क्यों नहीं देता? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं आज कल ही में ये बात राम से छेड़ता हूँ। अरे बाबूजी आप हैं कहाँ? मैंने खेतों में इतनी बार हल नहीं चलाया होगा जितनी बार आपके घर के चक्कर काटे हैं। मगर क्यों क्यों, किस लिए? वो खेतों के कागजात पटवारी को दिखाने हैं ना। अरे वो कागजात तो दस्तखत करके मैंने कब के रख दिए, जा घर जाके ले ले जा। और खुद ही ले जाके पटवारी को भी दे देना, क्योंकि इसको तो गाँव सेवा से फुर्सत नहीं है, इसका बच्चा ले तो रातों को भी लोगों की सेवा करता फिरे। तू जा जा। अच्छा जी, सबके सामने मेरे पोल खोल देता है। मैं क्या खोल रहा हूँ, सारी दुनिया जानती कि तू अपने लिए थोड़ी पैदा हुआ, दुनिया के लिए पैदा हुआ। तेरा नाम जगत प्रसाद की जगह जगत सेवा भंडार होना चाहिए था। चल ज्योति, ठहर ठहर, पहले मुझे पूजा करने दे, तू बाद में करना। क्यों? मैं तुझसे पहले आई हूँ, मैं पहले पूजा करूंगी। मैंने तुझसे पहले जन्म लिया है इसलिए पूजा भी मुझे पहले करनी चाहिए, ठीक है? इस गांव में तुझसे पहले कई जानवरों ने जन्म लिया है, और जरूरी नहीं जो पहले पैदा हो पूजा भी उसी ने पहले करनी चाहिए। खैर तू कर ले, पहले करने से तुझे कोई कलेक्टर नहीं मिलने वाला, और बाद में करने से जैसे मुझे कोई पति ही नहीं मिलने वाला। कलेक्टर ना सही, इंजीनियर तो मिल जाएगा ना, तू चुप रह। हाँ हाँ इंजीनियर जरूर मिल जाएगा, नौकरी के बहाने महीने वो शहर में रहेगा और तू घर के चूल्हे में जलती रहेगी। मुझे तो बाबा ऐसा पति चाहिए जो मेहनत करे, खेती बाड़ी करे, दो वक्त की रोटी कमा कर ले आए और दिन भर मेरी नजरों के सामने रहे। मतलब किसान? छी 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 छी, तेरे विचार हमेशा ऐसे छोटे और घटिया रहेंगे। एक किसान से शादी करके तुझे क्या सुख मिलेगा, सारा जीवन बैलों को चारा डालती रहेगी। ना बाबा मुझे तो बड़ा इंजीनियर ही चाहिए। आहा भाड़ में जा इंजीनियर, मुझे तो किसान चाहिए, किसान महान होता है। हाँ किसान महान होता है, मेरा पति महान है। मेरा पति महान है? नहीं मेरा पति महान है। अरे मेरा ठहरो ठहरो ठहरो, तुम दोनों अपने अपने पति के लिए पूजा करियो ना। ज्योति तुम बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए?
मैं नहीं बताती। अरे अच्छा जानकी, तुम बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे कैसा पति चाहिए ये मैंने पहले ही फैसला कर लिया है, और उसे अपने दिल के घर में रखकर ताला भी लगा लिया है। यही तमन्ना पूरी करने के लिए तुलसी माँ से प्रार्थना कर रही हूँ। ना 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 ना, गुरु तुमने हमें याद किया? हाँ चले, बोलो हमारे दादा का नाम क्या था? रीना मुरली कृष्ण। और हमारे बाप का? मृदंगम मुरली कृष्ण। और हमारा? हाँ? गुरु तुमको क्या हो गया, तुम अपना नाम भी भूल गए? अरे भाई लीला कृष्ण। चले जी, ये कृष्ण का नाम जो हमारे खानदान के साथ चिपका हुआ है, हमने ये सोचा है कि आज से इस गांव में कृष्ण लीला हम गोपियों के साथ दिल भर कर रचाएं। ना 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 ना, क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, सुभान अल्लाह। मगर गुरुदेव इसके लिए चाहिए हाथ में बांसुरी, मोर पंख, मुकुट माथे पर। ये रहा मुकुट माथे पर, मोर पंख, और ये बांसुरी वो रही गोपी, मटकती लटकती आ रही है इस तरफ। आई गुरु आई गुरु आई। ओ मेरी राधा, ओ मेरी राधा। मेरा नाम राधा नहीं, रुक्मणी है। अरे तुम मेरी राधा ही हो और मैं तुम्हारा मुरली वाला कृष्ण का नहीं। ना 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 ना, तुम शायद भूल गई हो देवी कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा शुभ विवाह इसी कृष्ण के साथ रचाया था, और उस जन्म की सुहागरात में मैंने तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में ऐसे पकड़ा, ऐसे चुन्नी ली। आजा मेरी राधा, आजा मेरे पास, अरे तू उसको पकड़, मैं उसको पकड़ता हूँ, आजा। अरे देखो राम बाबू, ये लीला किशन अपने आप को भगवान किशन समझ के मेरे साथ रास लीला रचाना चाहता है। पीछे आ जा। राधा, मैं तेरा मुरली वाला कृष्ण कर लिया हूँ राधा। क्या बात है मास्टर, ये भीड़ क्यों जमा है? कोई साधु है बेचारा मर गया। किस गांव का रहने वाला था? पता नहीं, परदेसी लगता, शायद रात को आया था। और ये लो 51 रुपए और इसका अंतिम संस्कार करवा दो। हेलो हेलो, आप? हेलो हेलो हेलो, देना हम दोनों प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे, याद है? नहीं याद है? याद आ जाएगा। याद करो, मैंने तुमको एक बार छोकरी गोबर की टोकरी कहा था, नहीं याद है? और तुमने आधा खाया रस से भरा हुआ आम मेरे मुंह पर फचाल से। आपकी हंसी बता रही है कि आपको याद आ गया। आपके पिताजी का नाम जगत प्रसाद जी की बेटी, और आपका नाम जानकी। कम कम टेल मी, एम आई करेक्ट नॉट? प्लीज टेल मी। यू आर 50% करेक्ट। 50% करेक्ट? आपने मुझे गोबर की टोकरी नहीं मिट्टी का माधो कहा था। मिट्टी का माधो? नो नो नो, ओह यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट। देख लीजिए ना, आप तब से लेकर अब तक मिट्टी का माधो तो बनी। क्या मतलब? मतलब क्या मतलब? आपके हाथ में ये किताब, सत्य हरिश्चंद्र, नल दमयंती, सीताराम, देखिए ऐसी कहानियां लिखकर लेखक लोग औरत की इमेज को ना एक रोनी सी सूरत बना के रखते थे। ऐसी कहानियां नहीं पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड सम लेटेस्ट बुक्स। अगर आपको इस समाज में इज्जत चाहिए, मर्दों के बराबरी का हक चाहिए, तो कुछ आधुनिक पुस्तकें पढ़िए। मैं ये किताब जानबूझकर थोड़ी पढ़ रही हूँ, मजबूरन पढ़ रही हूँ। इस गाँव में इससे अच्छी किताब मिलती नहीं। हाँ ले, सॉरी मैं नहीं मानता,
आप घुन के साथ गेहूं को मत पीसिए। आप कभी मेरे घर आकर देखिए ना, क्या पुस्तकों के भंडार लगे हुए हैं। अजी उसमें क्या शेक्सपियर, क्या बर्नार्ड शॉ, क्या कीट्स, क्या ये और क्या वो, सब के सब मैंने अपनी अलमारी में बंद करके रखे हुए हैं। अच्छा हाँ, आप भी मेरे घर तो आई आएंगी ना? बिल्कुल आएंगी, जरूर आएंगे, आपकी आंखें बता रही हैं। और फिर किताबों के शौकीन तो कहीं भी चलने को तैयार हो जाते हैं। टेल मी वेदर आई एम 50% करेक्ट और 100% करेक्ट? यू आर 10% करेक्ट। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। आपकी बातें बहुत हंसाती हैं। सच? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। हाय डार्लिंग। ओह नो सॉरी, मैं आपको नहीं, मैं इस मछली को बोल रहा था। वो क्या है कि कांटे से मछली को पकड़ने में एक थ्रिल है, मगर इसको मार देना अन्याय है। मैं इन मछलियों को पकड़ता हूँ और उसके बाद इन्हें पानी में फेंक देता हूँ। इन्हें सताना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पिताजी ने बताया था कि तुम शहर में पढ़ती हो। आप कैसे हैं? अच्छे तो है ना? अरे खाक अच्छा हूँ बेटी, इसकी शादी के इंतजार में बिन पानी के पौधे की तरह सूख रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा है मैरिजेस आर मेड इन हेवन, रिश्ते स्वर्ग में बनते, और जब तक वो परी स्वर्ग से उतर कर। हेलो, चलिए पहले आप इस घर में कदम रखिए। हाँ, तो इस आलीशान बंगले में 20 कमरे हैं। हाँ। जिसमें रहने वाले अभी तक सिर्फ 2 हैं, मैं और दादाजी, और हमारी देखभाल करने के लिए 12 आदमी हैं, 10+2 जो बाहर वाले कमरे में रहते हैं। समझ में आया? आपकी बातें बहुत हंसाती हैं। आप हंसती बहुत खूबसूरत हैं, और हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहिए, हंसती रहिए। हाँ, तो ये है मेरे स्वर्गवासी पिताजी का कमरा। हेलो, चौंक किस बात पे? शराब की बोतलें। ये शराब की बोतलें मेरे पिताजी की हैं। मेरे पिताजी शराब पिया करते थे। मैंने उनसे पूछा, पिताजी आप शराब क्यों पीते हैं? तो बोले, बेटे मैं गम को भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। लेकिन मैंने पीता, जानती क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं। आई हैव नो सॉरो। उसकी वजह, मेरी राय में जिस इंसान को अपनी चाहत का पता हो और सही वक्त पर उसे वो चाहत मिल जाए, तो गम उसे छू भी नहीं सकता। Am I correct? Yes, you are correct. हाँ तो मिस्टर करेक्ट, अब आपको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। ये मेरा पुस्तक भंडार। Let me select a book for you. हाँ? नहीं नहीं, मैं खुद सेलेक्ट कर लूँगी। तो आप सेलेक्ट कीजिए, your choice. मुझे लगा आप माय हार्ट लेंगे। आई लव यू, आई लव यू इज अ वेरी फेमस बुक। 3 लेखकों ने इसे 3 भागों में लिखा है। आप पढ़कर बताइए ना, इसमें से आपको कौन सा भाग अच्छा लगता है? बताऊंगी, मगर आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अगर आइंदा दादाजी ने शादी की बात छेड़ी तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैरिज इज अ मेड इन हेवन, बल्कि फौरन शादी कर लेंगे। जानकी! क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? लो, मैं तेरे लिए ताजा मेहंदी के पत्ते लाया हूँ और तू कह रही कि मैं शोर मचा रहा हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, वहाँ रख दो। अरे इसे रखने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि इस मेहंदी से क्या करना बताने आया हूँ। कमाल है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, किताब पढ़ जा रही है। ठीक कर रहा हूँ, मैं हाथ लाल करने के लिए मेहंदी लाया हूँ और तू किताब के काले अक्षर पढ़ जा रही है। सुन, पहले इस मेहंदी को सिलबट्टे पर रगड़ कर पीसना, रख इसे, और बाद में इसके अंदर चाय डालना, थोड़ा नींबू का पानी डालना, फिर उसे रख देना, रात को सोते समय अपने हाथ पर लगाना। समझ गई? चलता हूँ। ले, और सुन, ये सारी मेहंदी खुद लगाना, अपनी उस बहन ज्योति को मत देना। हाँ। समझ गई ना? अपने पैरों पर लगाना, अपने हाथ पर लगाना, अपने चेहरे जहाँ जी चाहे वहां लगाना, लेकिन सुबह जब मेरे घर आना, मेहंदी के लाल हाथ पहले अंदर लाना, बाद में खुद आना। समझ गई? हाँ, चलता हूँ। समझ गई ना? समझ गई बाबा। कौन? अरे मैं हूँ। अरे तुम आ गई, रात को अपने हाथों पर मेहंदी लगाई थी? हाँ हाँ लगाई थी। रंग चढ़ा? हाँ चढ़ा। लाली आई? बहुत। अरे कैसे नहीं आती, मेहंदी किसने दी थी? अच्छा सुनो, मैं अपनी आंखें बंद करके दरवाजा खोल रहा हूँ, तुम अपने हाथ अंदर करके, जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलूं, मुझे तुम्हारे मेहंदी वाले हाथ दिखने चाहिए। ये देखो। आह हाँ, ये लाली मेहंदी की नहीं, इस लाली में रंग मेरे प्यार का मिला हुआ है।